हाय दोस्तों, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सभी। एक बार मुझे सारे के सारे बच्चे बता दीजिए, इज द ऑडिबिलिटी एब्सोल्युटली फाइन? क्या आवाज सभी को सुपर्ब तरीके से क्लियर है दोस्तों? एम आई ऑडिबल टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू? क्या आप में से सारे के सारे बच्चों को आवाज एकदम सुपर्ब तरीके से क्लियर है क्या? सारे के सारे बच्चों को ग्रेट। दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना जो हुई थी, जिसको हम बोलते हैं श्रीलंका का गृह युद्ध, श्रीलंकन सिविल वॉर, जो तकरीबन 27 साल तक चला था, इसके बारे में आपको एकदम सिंपल सरल सामान्य बोलचाल की भाषा में बताता हूं। ये दोस्तों आपको टॉपिक ना काफी सारे जगहों पे डायरेक्ट दिखेगा, और एक अपना पड़ोसी भी है श्रीलंका, अपने पुराने रिलेशन है, अच्छे रिलेशन है डिप्लोमेटिकली जियोपॉलिटिकली, तो दोस्तों एक ऐसे भी अपने को जानकारी होनी चाहिए। दोस्तों स्ट्रेट वे स्टार्ट करते हैं, ये टॉपिक मेरे ख्याल में मुझे पूरा बताने में 40 मिनट करीब लगेगा। चलिए स्ट्रेट वे स्टार्ट करता हूं, ठीक है दोस्तों। दोस्तों LTTE लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम, ठीक है दोस्तों, ये रहा मैं, मेरा नाम है सौरभ ठाकुर, ये रहे मेरे प्रोफाइल, मेरे और बहुत सारे वीडियोस दोस्तों यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। गुड इवनिंग राजवीर, गुड इवनिंग नीतीश, गुड इवनिंग मुदस्सिर, बढ़िया। चलो तो दोस्तों स्ट्रेट अवे टॉपिक को अपन लोग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जिसको आप बोलते हैं, जैसे कि एक मिनट पहले श्रीलंका का मैप, ये रहा श्रीलंका दोस्तों, ये रहा श्रीलंका, ठीक है दोस्तों। कमेंट बॉक्स में श्रीलंका की राजधानी मुझे बताएंगे दोस्तों, श्रीलंका की राजधानी क्या है जरा कमेंट बॉक्स में बताएंगे दोस्तों। ये जो श्रीलंका का सिविल वॉर या श्रीलंका का गृह युद्ध आप बोलते हैं, पूरी कहानी आपको बताता हूं एकदम सिंपल सरल सामान्य बोलचाल की भाषा में, पहले एक एक करके सुनते आएगा दोस्तों। तो सबसे पहले LTTE, पहले चार पॉइंट्स बोलता हूं फिर इस कहानी में एंटर करेंगे। तो जो ये तमिल लिबरेशन आर्मी थी दोस्तों, LTTE जिसको आप बोलते हैं, LTTE के जो लीडर थे उनका नाम है, ये रहे, इनका नाम है वेलुपिल्लई प्रभाकरन, ठीक है। तो दोस्तों होता ये है, कहानी की जो कहानी का अंत होता है वो जिस तरह से होता है कि अभी कुछ साल पहले की बात है, 18 मई 2009 की बात कर रहा हूं दोस्तों आपको, फाइनली LTTE की हार होती है और इस तरह से समाप्त होता है श्रीलंका का गृह युद्ध। श्रीलंका की आबादी अगर आप देखेंगे तो तकरीबन 2 करोड़ 20 लाख के आसपास की मेरे ख्याल आबादी है, 2.25 करोड़ के आसपास की आबादी है, ठीक है दोस्तों। इसका मतलब सर आप ये बोल रहे हैं कि तकरीबन आज से कितना 12 साल पहले की बात है कि श्रीलंका की आर्मी ने आखिरी जमीन के टुकड़े को गेन किया, वेलुपिल्ले प्रभाकरन को उन्होंने ठा गोली मारी, और यहां से जैसे इनको मारा, आखिरी जमीन के टुकड़े को कब्जाया, तो वो श्रीलंका जो ब्रिटिशर से आजाद हुआ 1948 में, ध्यान सुनेगा दोस्तों, श्रीलंका की जब आप ज्योग्राफी को देखेंगे तो कुछ ऐसा दिखता है श्रीलंका, ये जो लाल कलर में आपको देख रहे हैं यहां पे लिखा हूं दोस्तों ईलम, दोस्तों श्रीलंका में, श्रीलंका की आबादी तकरीबन 2.25 करोड़ है, 2 करोड़ 20 लाख के आसपास। इसमें ना दोस्तों दो एथनिक कम्युनिटीज, ये जो सिविल वॉर है, जो गृह युद्ध है, एथनिक लाइंस पे डिवाइडेड है। इस एथनिक लाइन पे एक तरफ आते हैं सिन्हेला और एक तरफ आते हैं तमिलियंस। अब जो सिन्हेला ग्रुप है दोस्तों, तकरीबन 3/4 आबादी, 75% आबादी जो सिन्हेला है, और तकरीबन 15% आबादी तमिलियंस है। ये जो श्रीलंका का ये लाल कलर का ये हिस्सा आपको दिख रहा है ना दोस्तों, इसमें कुछ रीजन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जाफना यहां पर इंपॉर्टेंट है, किलिनोची इंपॉर्टेंट है दोस्तों यहां पर, और ये जो लाल कलर का रीजन दिख रहा है, इसी लाल कलर के रीजन की लड़ाई थी। तो यहां पे निकल के आते हैं 1976 में एक व्यक्ति जिनका नाम था वेलुपिल्लई प्रभाकरन, ये रहे वेलुपिल्लई प्रभाकरन। तो वेलुपिल्लई प्रभाकरन ने कहा दोस्तों, कहानी को पूरे एकदम सुनिएगा, एक एक चीज क्लियर कर दूंगा, ध्यान से सुनिएगा। तो वेलुपिल्लई प्रभाकरन ने कहा कि देखो जी, बहुत हो गया, अभी ये हमको एक्सप्रेस करना ही पड़ेगा अपने आप को, सारे के सारे तमिलियन से कहा, श्रीलंकन तमिलियन से। तो श्रीलंकन तमिलियन, ये जो आप देख रहे हैं ये लाल कलर का जो रीजन है ना, ये मेनली यहां पे तमिलियन रहते हैं, और श्रीलंका के बाकी हिस्सों में रहते हैं सिन्हेला, जो भाषा बोलते हैं सिन्हेलीज। 1948 में बना है श्रीलंका, 1948 तक श्रीलंका में तीन भाषाएं चलती थी, क्योंकि ब्रिटिशर्स राज की यहां पर, तो अंग्रेजी तो थी, सिन्हेलीज जो कि सिन्हेला या सिन्हेलीज बोल दीजिए, सिन्हेला मेजॉरिटी में 75% आबादी, तो जिस भाषा को वो बोलते हैं वो सिन्हेलीज। और ये जो ऐसा ऊपर का हिस्सा दिख रहा है आपको, उत्तरी हिस्सा, और इसके अलावा उत्तर पूर्व का हिस्सा, और ये वाला जो हिस्सा है यहां पे मेनली तमिलियंस, तो तमिल्स दोस्तों। लेकिन दोस्तों हुआ ये,
कि तमिलियंस, आपने हमेशा से देखा होगा दोस्तों तमिलियंस लोग बहुत वेल क्वालिफाइड होते हैं, वेरी वेल रेड पीपल. तमिलियंस आर ऑलवेज कंसिडर्ड बी वेरी वेरी वेल रेड पीपल. तमिलियंस लोग दोस्तों वो होते हैं जो हमेशा ना एजुकेशन को बहुत हाई प्रायोरिटी देते हैं. आपने ऐसे भी इन जनरल देखा होगा. तो जब ये था कि श्रीलंका में तमिलियंस शुरू से माइनॉरिटी में रहे, ठीक है, लेकिन जब ब्रिटिशर्स भी श्रीलंका में राज कर रहे थे ना, तो ये था कि तमिलियंस माइनॉरिटी में थे, सिन्हला मेजॉरिटी में थे. तीन चौथाई आबादी श्रीलंकंस की में, श्रीलंका में सिन्हलास की थी. 15% के आसपास की आबादी तमिलियंस की थी. लेकिन तमिलियंस ना बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट में हुआ करते थे तब जब श्रीलंका गुलाम था. तो यहां पे जब श्रीलंका आजाद हुआ, सिन्हलास ने सोचा कि यार ये तो बहुत ज्यादा हो रहा है, ये ज्यादा हो रहा है, तो हमें ऐसे किस तरह के चेंजेस करने चाहिए कि जितने टॉप की पोजिशन उन सभी पे सिर्फ और सिर्फ सिन्हलास होने चाहिए. ये टॉप के जो एजुकेशन संस्थान है वहां पर सिर्फ सिन्हलास होने चाहिए. ये टॉप के जो स्कूल्स कॉलेज है वहां पर सिर्फ सिन्हलास होने चाहिए. ये तमिलियन लिटरेचर कल्चर सब बैन करो. तो दोस्तों आप किसी इंसान को कब तक दबाएंगे, किसी व्यक्ति को, किसी कम्युनिटी को जो आप सप्रेस करते जाते करते जाते करते जाते करते जाते करते जाते, तो एक समय ना दोस्तों एकदम वो ना आग फटता है, एकदम ऐसे मतलब वो गुस्सा फटता है, और उसी गुस्से का नाम पड़ा लिट्टे. और यही कारण था दोस्तों कि ये डेस्परेशन जो था ना, ये जो गुस्सा था ना, ये डेस्परेट. ऐसा नहीं दोस्तों कि लिट्टे के अलावा और बहुत सारे, लिट्टे के अलावा और तमिलियन ग्रुप्स नहीं बने, बहुत सारे ग्रुप्स बने, लेकिन जितना ऑर्गेनाइज्ड ये सेपरेटिस्ट ग्रुप था, ये तो मैं बोल ही रहा हूं कि सेपरेटिस्ट ग्रुप तो था ही, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, लिट्टे वॉज अ सेपरेटिस्ट ग्रुप. सेपरेटिस्ट शब्द का अर्थ होता क्या है सर? सेपरेटिस्ट वो जो आपके देश को तोड़ दे. तो वेलु पिल्ले प्रभाकरण को भयानक सपोर्ट मिला श्रीलंकन तमिल्स का. वेलु पिल्ले प्रभाकरण को पूरी दुनिया में जो अलग अलग तमिलियन लोग थे या बहुत सारे लोग जो वेलु पिल्ले प्रभाकरण से यू नो मतलब को पसंद करते थे, उनकी फीलिंग या उनकी बातों को पसंद करते थे, उन लोगों ने सपोर्ट करना शुरू किया. और कुछ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने भी ऐसा कहा जाता है कि उन लोगों ने सपोर्ट करना शुरू किया, फंड रन करना शुरू किया. लेकिन लिट्टे इतने समय तक जिंदा रह कैसे पाए? 1976 से मैं आपको ये कह रहा हूं कि 2009 में लोग खत्म हुए, तो यार इतना समय तक सेपरेटिस्ट ग्रुप जिंदा कैसे रही, ये अपन देखते हैं कैसे. तो सेपरेटिस्ट ग्रुप इसलिए मैंने कहा, और डेस्परेशन से लोग इसलिए निकल के आए क्योंकि उनको सप्रेस करते गए करते गए करते गए करते गए, तो उस डेस्परेशन से निकल के आए जो वो है लिट्टे. और इसलिए दोस्तों आप यहां पे दो, यहां पे आप देखते हैं कहां गए, ये लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल ईलम. ये तमिल ईलम इसीलिए, ठीक है दोस्तों, इसलिए आप यहां पर तमिल ईलम बोलते हैं, यहां तक सही है. और जो वेलु पिल्ले प्रभाकरण उनको फिर इतना जबरदस्त तरीके से सपोर्ट मिला, लेकिन इतने समय तक चले कैसे वो अपन देखेंगे दोस्तों. ऐसा क्या, अच्छा सेपरेटिस्ट क्यों? क्योंकि इनका कहना ये था भाई साहब इसको ना इस रीजन को अलग करो, ये अलग देश घोषित करो, ये अलग देश घोषित करो, ये तमिल ईलम रहेगा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है जाफना, सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें जाफना, सब अलग करो इसमें. और बाद में फिर इनकी लैंग्वेज और चेंज होनी शुरू हुई. लेकिन एक ऐसा सेपरेटिस्ट ग्रुप जिनकी अपनी आर्मी थी, नेवी थी, एयरफोर्स क्रिएट कर दिए थे, ये अपने आप में भयंकर डेवलपमेंट है दोस्तों, भयानक डेवलपमेंट है दोस्तों. ये 26 से 27 27 साल दे, मतलब एब्सोल्यूट मैसेकर, मतलब कत्लेआम हो गया था श्रीलंका में दोस्तों. ये व्यक्ति जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं, इनका नाम है वेलु पिल्ले प्रभाकरण. इस कहानी को गौर से सुनिएगा दोस्तों, इस कहानी को गौर सुनिएगा, क्योंकि जब आप आर्मी को फ्री हैंड देते हैं तो फिर क्या होता आप देखिएगा. जब आप आर्मी को बोलते हैं कि जो करना करो, मुझे घर साफ चाहिए, मुझे स्टेट साफ चाहिए, मुझे जगह साफ चाहिए, तो आर्मी का आर्मी जवाब ठीक है, दौड़ 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 दौड़. जब अपना फ्री हैंड देते हैं तो फिर क्या होता है? तो फ्री हैंड देने से ही होता है. तो फिर कोई भी हो, चाहे वो वेलु पिल्ले प्रभाकरण हो, चाहे कोई भी हो, जब आप बोलते हैं कि बुलेट्स का कोई हिसाब नहीं है, जो सामने आए शूट करो, क्लीन चाहिए मुझे सब कुछ, तो फिर वो कितना भी लंबा गृह युद्ध चल रहा हो वो सब खत्म हो जाता है दोस्तों. यही एक तरीका बचता है. तो ना श्रीलंका की सरकार को समझ में आया कि बस एक तरीका बचा हुआ है. ये दोनों का नाम देख लीजिए और अब इस कहानी को मैं शुरू करने जा रहा हूं, ठीक है दोस्तों. आपको थोड़ा टेरिटरी का अंदाजा हो गया होगा, ठीक है. तो टेरिटरी का, श्रीलंका की राजधानी क्या बताया आप लोग, पूछा था बताया क्या आप लोगों ने? नहीं, अरे हाँ कोलंबो, ऑफकोर्स है ना, कोलंबो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं बताइए जी. श्रीलंका का मैप देख लिए ना, देखे कि नहीं? ये ना श्रीलंका का मैप,
श्रीलंका की आबादी तकरीबन 2.25 करोड़ है। ध्यान से सुनना, इस 40 मिनट के बाद अगली बार कभी श्रीलंका आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरी क्लियर कर दूंगा। 2.25 करोड़ के आसपास की आबादी है, 2.25 करोड़ में तो क्या बोलते हैं 2 करोड़ 20 लाख के आसपास। इसमें से 75% सेनेला है और 15% के आसपास तमिलियंस है, और तमिलियंस मुख्यतः इस तरह से यहां पे इन रीजनों में तमिलियंस है मेनली, ठीक है। और ये जो लड़ाई है, ये 27 साल तकरीबन जो 27 साल चली है, ये एथनिसिटी की लड़ाई है, सेनेला मेजोरिटी एंड तमिल माइनॉरिटी की लड़ाई है। यहां तक चाहिए। ये व्यक्ति जिनका नाम आप देख रहे हैं, इनका नाम है वेलु पिल्ले प्रभाकरन। इनके पहले, इनको इतना खतरनाक इसलिए कंसिडर किया क्योंकि इसके पहले यार कभी किसी ने देखा नहीं था कि इंसान अपने ऊपर, अपने आप को ह्यूमन बॉम्ब वाला कंसेप्ट, कि अपने ऊपर बॉम्ब लपेट के आ जाए उड़ाने, जो सुसाइड बॉम्बिंग है वो सब इसी टाइम पर शुरू हुई है। स्टार्ट करते दोस्तों, सबसे पहली चीज, जब आप ये बोल रहे हैं कि लिट्टे इतनी ताकतवर हो गई थी, लिट्टे की अपनी आर्मी थी, नेवी थी, एयरफोर्स था, हालांकि एक ही प्लेन था, बट फिर भी जब इतनी ताकत हुई तो खत्म कैसे हुई? तो सबसे पहली बात, लिट्टे मतलब लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम, जो खत्म होती है 18 मई 2019 को, जो 18 मई 2019 को खत्म होती है। अब यहां पे ये बालक, ये जो व्यक्ति है, ये न्यूज पेपर पढ़ रहा, आप देखिए, डेड नो डाउट, ये वेलु पिल्ले प्रभाकरन का पार्थिव शरीर है जब इनको गोली मार दिया गया था। तो वेलु पिल्ले प्रभाकरन का शरीर दोस्तों, जब इनको गोली मार दिया गया था, ये ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया ना, ये जो आखिरी के 3 साल थे ना, जब श्रीलंका की आर्मी ने सोचा बस अब हो गया, और श्रीलंकन गवर्नमेंट ने बोला फ्री हैंड है, तो जो आखिरी के 3 साल थे ना दोस्तों, ये आखिरी के 3 साल श्रीलंकन आर्मी को जब फ्री हैंड दिया गया, तो श्रीलंकन आर्मी ने बोला अब नहीं बचने वाले लोग। श्रीलंकन आर्मी ने बोला बस आप तैयार हो जाओ, और दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट रूथलेस एक ऑपरेशन चलना शुरू हुआ, जहां पे एकदम लाशों के ढेर लग गए दोस्तों, धौड़। देखिए दोस्तों, जिस चीज की हम बात कर रहे हैं, जंगलों की लड़ाई की बात कर रहे हैं। गुरिल्ला युद्ध तो मैदान में हो नहीं सकता, जंगल झाड़ियों में होगा, गुफाओं में होगा, इसी जगह पे गुरिल्ला युद्ध होगा, और कहां होगा आप बताइए। तो दोस्तों, जब आप बोलते हैं कि लिट्टे, या कहीं पर भी आप सेपरेटिस्ट ग्रुप के बारे में बात करते हैं, तो इतना डिफिकल्ट क्यों होता है लड़ना? क्योंकि गुरिल्ला युद्ध वैसे भी डिफिकल्ट है। क्यों डिफिकल्ट है? क्योंकि जो लोग लड़ रहे होते हैं वो तो आम गांव वालों के बीच में रह रहे होते हैं, तो आप कैसे फिगर आउट करेंगे गांव का एक आम आदमी कौन है और जो लड़ने वाला आदमी वो कौन है? और यही कारण है दोस्तों कि फिर लड़ाई बहुत डिफिकल्ट हो जाती है, फिर बहुत सारी चीज आती है, ह्यूमन राइट से लेके बहुत कुछ आ जाता है फिर वहां पे। लेकिन जब आप यही बोल देंगे कि बुलेट्स का कोई हिसाब ही नहीं, जो सामने आएगा यू कैन शूट, तब तो फिर पूरा सब कुछ चेंज होता है ना। तो दोस्तों, कुल मिला के 27 साल से चल रही है एथनिक लाइंस पर चल रही है लड़ाई थी, और ये जो लड़ाई थी ना दोस्तों, इसमें जिस एक तरफ श्रीलंका गवर्नमेंट और दूसरी तरफ थी गुरिल्ला युद्ध में मास्टर LTTE दोस्तों, ठीक है दोस्तों, LTTE दोस्तों। तो इसमें आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। LTTE के लीडर वेलु पिल्ले प्रभाकरन, इसमें कोई डाउट नहीं कि वन ऑफ द भयंकर कैरिज्मेटिक एल्यूसिव गुरिल्ला युद्ध के मास्टर, मतलब मास्टर लीडर, कम से कम इस दौर के मॉडर्न टाइम्स के तो माने ही जाएंगे दोस्तों। इसमें आपको एक बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी, परसिस्टेंट बॉम्बिंग देखने को मिलेगी, सुसाइड बॉम्बर देखने को मिलेंगे, रिलेंटलेस गुरिल्ला फाइटर्स देखने को मिलेंगे, हंड्रेड्स एंड लैक्स ऑफ, मतलब थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ लोगों की लाशें, मतलब इतना कुछ यहां पे आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, बहुत सारी चीजें दोस्तों। जो मैं आपको बताया ना, गवर्नमेंट ने बोला कि यार हम लोग अब बस हो गया, जीरो टॉलरेंस पे काम करेंगे। जब गवर्नमेंट ये डिसाइड करती है कि जीरो टॉलरेंस, एब्सोल्यूट ब्रूटल इफेक्टिविटी, जीरो टॉलरेंस, तो यहां पे ऐसा क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने बोला कि अब हम लोग का हो गया, अब हम लोग ना सेटलमेंट नहीं करेंगे ना, अब तुमको हम लोग खत्म कर देंगे। तो ऐसा कर कैसे पाए गवर्नमेंट, अपन वो देखेंगे दोस्तों। दोस्तों, जब हम ये बोल रहे हैं कि लिट्टे जब खत्म हुई, तो ना दोस्तों, एक पर्टिकुलर जगह थी जो लिट्टे ने काफी समय से कब्जा के रखा था, मतलब लिट्टे ने अपने अपने अंडर रखा हुआ था एक जगह को, और अपने अपना उसको डिफेक्टो कैपिटल बना रखा था दोस्तों। ये है किलिनोची। ये किलिनोची ना, जब ये लिट्टे हारी, जनवरी 2009 की बात कर रहा हूं, ये देखिए, ये आपको श्रीलंका एकदम टॉप पे आपको जाफना आफना दिखेगा, और आपको मैंने अभी आपको दिखाया कुछ मैप को इस तरह से, यहाँ पे सारे के सारे तमिलियन कम्युनिटीज है वहां पे, जो श्रीलंका, वो तमिलियन कम्युनिटी जो 2000 साल से वहां रह रही, मैं आपको पहले बता देता हूँ, वो तमिलियन कम्युनिटी मत सोचिएगा जो श्रीलंका से इंडिया से माइग्रेट करके, वो भी है उसमें, वो भी है,
जो इंडिया से माइग्रेट करके श्रीलंका गए हैं वो कम्युनिटी भी है। इसलिए आप देखेंगे तो साउथ का जो जो, जो आप देखेंगे तो तमिलियंस है, उनका एक एक, एक, एक वो होना ना, एक सॉफ्ट कॉर्नर होना स्वाभाविक है, राइट। लेकिन मैं जो बात करूं वो कई हजारों हजार साल से दोस्तों जो वहां पर रह रहे हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं मेनली वो। तो दोस्तों ये जो रीजन था ना, जो काफी समय से लिट्टे ने कब्जा के रखा था, जब ये किलिनोची को लूज किया ना, ये लूज करना इनको भारी पड़ा, और ये लूज करना भारी पड़ा एकदम एब्सोल्यूट मतलब ये ना यहां से गेम चेंज होना शुरू हो चुका था। अब समझ में आ चुका था, ये जनवरी 2009 की बात कर रहा हूं, जनवरी 2009 की बात कर रहा हूं। इसी तरह से ना दोस्तों एक पर्टिकुलर एक गांव क्या हुआ था, जब खदेड़ के मारना शुरू किया श्रीलंकन आर्मी ने, श्रीलंकन आर्मी घेरना शुरू किया और गांव में एंटर करना शुरू किया, और गांव में गन लेके फिर एंटर कर चुका, फिर क्या गुरिल्ला युद्ध वाले लोग, क्या पुरुष, क्या महिलाएं, क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, जो सामने आ रहा दोस्तों। और फिर यहां पे जो लिट्टे की फौज के लोग थे वो भागना शुरू किए, और दोस्तों इस कोस्टल रीजन में ना यहां पे एक जंगल है, बहुत घना जंगल है दोस्तों, और ये जो घना जंगल है ना, आपको ये दिख रहा होगा दोस्तों मुलातिबू, ये मुलातिबू में ना काफी घना जंगल है। तो फिर ना यहां से ये पूरा रीजन में आपको बता तमिलियंस यहां पे, और ये ना मुलातिबू के जंगल की तरफ भागना शुरू किए वो लोग। दोस्तों ये जो मैं भागना शुरू किया, मैं आपको बता रहा हूं ना कि कुछ ये जब भागना शुरू किया ना, तो इसमें लिट्टे के लोग भी हैं, और तकरीबन ना 3 लाख के आसपास तमिलियन लोग हैं, जो तमिलियन एक्चुअल लोग हैं, लोग मैं लिट्टे के नहीं बोल रहा, तमिलियन लोग हैं। अब दोस्तों कोई भी नहीं चाहेगा ना कि जो बेकसूर लोग हैं उनको मारा जाए, राइट। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया ना, डिसाइफर करना, एक बात आई है, जब सीरिया में जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो कौन है, अब आप कौन है, किसको पता कौन है यार, वो वहां पे मेरे तरह आपकी तरह हम सब की तरह लोग भी हैं, उनको बोलते हैं फ्री सीरियन आर्मी, हमारी तरह लोग जो 2 टाइम का 3 टाइम का खाना खाते हैं, अपने परिवार के साथ रहते हैं, अच्छी जिंदगी जीना चाहते हैं, त्रस्त होगा बसर असाद से तो लड़ना शुरू किए। दोस्तों वहां पे सीरियन आर्मी में जो लोग काम कर रहे थे उन्होंने अपने हथियार फेंके और वो लोग भी ज्वाइन किए, वो लोग भी आएंगे। दोस्तों यहां पे आईएस के कुछ लोग भी आ जाएंगे, अल नुसरा के कुछ लोग भी आ जाएंगे, अल फतेह के भी कुछ लोग आ जाएंगे, सऊदी बैक्ड कुछ लोग, तो ऐसे दोस्तों अब ना डिसाइफर करना मुश्किल हो चुका है। मैं आपको ये बात इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों, ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब श्रीलंकन आर्मी ने खदेड़ना शुरू किया और जब ठा 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 गोली चलाना शुरू किया, तो बहुत बड़ी टुकड़ी लिट्टे की भागना शुरू, आखिरी की जर्नी बता रहा हूं मैं, थोड़ा रिवर्स में चल रहा हूं, एक बार आपको शुरू से सुनाऊंगा, चिंता मत कीजिएगा, उल्टा कहानी फिर वो स्टोरी टेलर ही क्या जो फिर कहानी में सीधा फ्लैट बता दे। तो दोस्तों ये लोग भागना शुरू किए इन जंगलों में, अब जब भागना शुरू किए तो यहां पे ना दोस्तों बहुत सारे श्रीलंका की लोकल आबादी भी है, वो लोग एकदम सर 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 गोली मत चलाएगा, हम लोग श्रीलंका के लोकल लोग हैं सर, हम लोग तमिल सिविलियंस है, ऐसे कई लाखों लाख दोस्तों कई लाखों लाख तमिल सिविलियंस भी थे यहाँ पे। दोस्तों जब ऐसा था, जब इतने सारे लाखों लाख तमिल सिविलियंस के बारे में बात कर रहे हैं, जब मैं आपको भेजूंगा इस नोट्स को, तो इस मैप को देखिएगा, जो मैप मैंने लगाया पीछे यहाँ पे, अगर आप देखेंगे तो सिनलीज लिखा है मैंने, लोग सिनलीज और तमिलियन, ये ग्रीन कलर में देखेंगे तो आपको डेमोग्राफी समझ में आएगी, ये पूरा ग्रीन कलर ना दोस्तों ये बता रहा है तमिलियंस को, ये जो ये येलो और ये क्या कौन सा ऑरेंज कलर बता रहा है सिनलीज को। यहाँ पर भी आप देखेंगे पर स्क्वायर किलोमीटर कौन कौन ज्यादा, बहुत बढ़िया ये मैप मैंने नहीं बनाया, मैंने लिया गूगल से निकाला इस मैप को, बहुत अच्छा मैप है इसलिए मैंने लगाया, बस आपको समझने में अच्छा लगेगा। तो दोस्तों क्या हुआ कि यहाँ पे ना तमिलियंस भी भाग रहे थे, वहां पे तमिलियंस भी लोग तो आम तमिलियन लोग हैं, वो लोगों ने सर 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 गोली मत चलाई अपन निपट जाएंगे। तो दोस्तों श्रीलंकन आर्मी ने बोला कि चिंता मत करो हम लोगों ने ना उस रीजन में बहुत सारे नो फायर जोन है, सब लोग वहां पहुंचो। तो दोस्तों क्या हुआ ना, बहुत सारे जो तमिलियंस है वो चुपचाप जग गए, मतलब भागे 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 वो नो फायर जोन में पहुंच गए। अब ये निश्चित होगा कि चलो अब यहां पे ज्यादा बॉम्बिंग नहीं होगी, कोई गोली नहीं मारेगा। दोस्तों कई इंटरनेशनल कम्युनिटी ने बताया कि भाई साहब आप तो बोले थे कि नो फायर जोन तक के सारे जो लोकल तमिलियंस उनको पहुंचने बोले कि आप नहीं मारोगे, और फिर आप लोगों ने कैसे वहां पे फायरिंग कर दिया, बॉम्ब गिरा दिया। दोस्तों बहुत सारे जब जर्नलिस्टिक रिपोर्ट्स आई तब उसमें यह कहा गया कि सर आप तो जो लोकल तमिलियंस हैं उन लोगों को इस तरह से नो फायर जोन पे आप बुलाए और वहीं पे बम मार दिए, सर हजारों लाखों बेगुनाह मर गए सर आप लोग के कारण, ये तो वॉर क्राइम्स है सर। तो दोस्तों इसलिए ना वॉर क्राइम्स की बहुत सारी बात हुई, आपको बहुत सारे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के भी, आपको ह्यूमन राइट्स काउंसिल के आपको बहुत सारे ऐसे आर्टिकल मिल जाएंगे जहां पे ना वॉर क्राइम्स के बारे में बात होगी कि सर आप लोग कैसा कर रहे हैं, बुलेट मार रहे, गोली मार रहे, आर्टिलरीज एयरक्राफ्ट उड़ा दिए, बम मार दिए। दोस्तों ऐसे बहुत सारी बात। दोस्तों श्रीलंका के ही
आप जिनकी तस्वीर देख रहे हैं जनरल साहब है, इनका नाम है सराद फोनसेका। दोस्तों सराद फोनसेका साहब जो है आर्मी कमांडर थे, ठीक है दोस्तों, ये अच्छा लिखा ही हुआ। तो जनरल सराद फोनसेका, इन साहब का ही स्टेटमेंट आपको बता रहा दोस्तों। तो इन साहब ने पहले एक जमाने में ये कहा था कि मतलब हर एक जनरल की एक दिली ख्वाहिश होती है कि गवर्नमेंट जब उनको बोले कि कोई कंडीशंस नहीं है, जैसे लड़ना वैसे लड़ो, कोई हिसाब किताब नहीं है, जो रिक्रूटमेंट करना है आर्मी वो रिक्रूटमेंट कर लो, जितना हथियार लेना ले लो, मुझको बस शहर और देश अपना क्लीन चाहिए। इन साहब का स्टेटमेंट है ये, तो एक जनरल का मतलब दिली ख्वाहिश होती है दोस्तों। इन्हीं का इनका ही इन साहब का कहना था कि ये देखिए जो स्टेटमेंट है वो यही है, द बैटल हैज रीच्ड इट्स बिटर एंड, अनफॉर्चुनेटली इसमें बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई, इसके लिए हमारी तरफ से शोक है, लेकिन ऐसा हुआ तो है। और दोस्तों अंततः फिर ना क्या होता है, 18th of May को वेलुपिल्ले प्रभाकरन अपने और बहुत सारे लोगों के साथ भाग रहे होते दोस्तों, और वेलुपिल्ले प्रभाकरन 250-300 लोगों के साथ और भाग रहे होते हैं, तो वेलुपिल्ले प्रभाकरन को पकड़ते इस तरह से बहुत सारे, एक पर्टिकुलर लगून है दोस्तों जिसका नाम है नंदी कदल लगून, तो वहां से छुप के भाग रहे होते हैं, और जब वहां से छुप के भाग रहे होते हैं तो उनको और उनके साथ जो फॉलोअर्स हैं उन्हें गोली मार दिया था दोस्तों। और इसके बाद ना बहुत सारे अखबारों में इस तरह के आर्टिकल्स आते हैं कि यार ये क्या है, ये ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन डिग्निटी, इंटरनेशनल कम्युनिटी कुछ बोल क्यों नहीं रही है श्रीलंका में, जब इतना कत्लेआम हो रहा है, जब आर्मी खुद एकदम बंदूक लेके आकर ठा ठा गोली मार रही है, तो इंटरनेशनल कम्युनिटी कुछ बोल क्यों नहीं रही है, इस तरह के आपको बहुत सारे आर्टिकल्स मिलेंगे। लेकिन सब कुछ यहां तक पहुंचा कैसे यार, शेम ऑन ह्यूमन डिग्निटी, शेम ऑन इंटरनेशनल कम्युनिटी। दोस्तों इस इंटरनेशनल कम्युनिटी में सभी की बात कर रहे हैं ना, हम लोग भी हमें भी बात कर रहे हैं, सभी के बारे में बोल रहे हैं राइट। तो दोस्तों ये फोनसेका साहब का ये स्टेटमेंट है, तो ये सारथ फोनसेका साहब जो है ना, इनके जनरल साहब, उनका स्टेटमेंट है कि इस बार हम लोग मैच को ड्रॉ करने के लिए नहीं खेल रहे थे, इस बार हम मैच को जीतने के लिए खेल रहे थे दोस्तों। ये उनके आर्मी जो जनरल साहब है ना, सारथ फोनसेका साहब, ये उन्हीं का स्टेटमेंट है। तो दोस्तों यहां तक ये चीज पहुंची कैसे और ये लिट्टे युद्ध को हारा कैसे, अपन एक एक चीज को देखेंगे। सबसे पहली चीज, लिट्टे युद्ध को हारा कैसे, फिर मैं आपको पास्ट में भी लेके चलता हूं। लिट्टे युद्ध को हारा इसलिए क्योंकि श्रीलंका का जो श्रीलंकन गवर्नमेंट जो आई थी दोस्तों, श्रीलंकन गवर्नमेंट का मतलब है महिंदा राजपक्ष साहब एकदम सोच के आए थे कि अब हो गया, इतने सालों से हम लोग लिट्टे को मना के देख लिए, अब ये नहीं मान रहे, और राजपक्ष साहब ने बोला कि बस हो गया, तो अपनी आर्मी को बोला कि सुनो जी ऐसा है, ये टॉप लीडरशिप, महिंदा राजपक्ष साहब ने बोला फंडिंग चाहिए ले लो, फुल पॉलिटिकल सपोर्ट है, मिलिट्री स्ट्रेटजी जो लगाना है लगाओ, फॉरेन प्रेशर वगैरह की चिंता मत करो, मैं खड़ा हूं, कोई कॉम्प्रोमाइज की जरूरत नहीं है, तो ना अपने को सब कुछ क्लीन कर देना है। तो दोस्तों ये रहे महिंदा राजपक्ष साहब, ठीक है दोस्तों। तो महिंदा राजपक्ष साहब ने कहा कि तुम बाकी चीजों की चिंता मत करो, अपने को सब कुछ निपटा देना, सब कुछ क्लीन कर देना। जैसा मैंने आपको बोला दोस्तों, जनरल साहब ने कहा कि दोस्तों ये जनरल साहब जो है इनके, इन्होंने कहा था कि ये तो यार हर एक जनरल का ड्रीम होता है जब उसको गजब का इनफाइनाइट पॉलिटिकल बैकिंग हो, जब ये बोलते कि कोई लिमिट ही नहीं है, जितने हथियार खरीदना है, जितने लोगों को रिक्रूट करना है। ये रिक्रूटमेंट वाली बात को जस्टिफाई भी करता हूं दोस्तों, ये इसलिए भी जस्टिफाई कर सकता हूं मैं, क्योंकि अगर आप देखते ना तो ये जो युद्ध खत्म होने, वॉर खत्म होने, सिविल वॉर, उसके पिछले 4 साल को देखेंगे तो श्रीलंकन आर्मी में 80,000 नए रिक्रूट्स हुए थे, जो कि बहुत बड़ा नंबर है, क्योंकि बहुत बड़ा नंबर है। जो हथियारों की बात ये कर रहे हैं, तो मेनली हथियार जो मिले थे इनको, वो मिले थे चाइना से, पाकिस्तान से, तो दोस्तों मेन हथियार ना यहां से आए थे। ये देखिए फोनसेका साहब का स्टेटमेंट है, दिस इज एनी जनरल ड्रीम, टोटल पॉलिटिकल बैकिंग, नो लिमिट ऑन बाइंग वॉर मटेरियल्स एंड रिक्रूटमेंट। ये बाइंग वॉर मटेरियल मेनली चाइना और पाकिस्तान से आ रहा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो कुल मिला के ना एक इनफाइनाइट पॉलिटिकल बैकिंग। दूसरा पॉइंट, लिट्टे क्यों हारी, जब लिट्टे एक ऐसा सेपरेटिस्ट ग्रुप बन चुका था जिसकी अपनी आर्मी थी, नेवी थी, एयरफोर्स था, बकायदा रिक्रूटमेंट ड्राइव्स होते थे, आप जानते हैं दोस्तों। ऐसा नहीं कि लिट्टे जो है जब सरकार बोलती थी कि चलो आओ शांति के लिए बात करते हैं, तो बैठते थे शांति प्रस्ताव को लेकर बैठते थे, और इधर रिक्रूटमेंट ड्राइव चलते थे बकायदा लिट्टे की। तो फिर ये दूसरा पॉइंट मैं बोल रहा हूं, हाई मोरल ग्राउंड्स। तो ये मोरल ग्राउंड्स पे कैसे हार गए दोस्तों, मोरल ग्राउंड्स पे इसलिए, एक तो पहले ना जो इनके टैक्टिक्स थे वो फ्लॉप होने शुरू हुए, दूसरी चीज ना दोस्तों मोरल ग्राउंड्स पे भी लोग हारे। मोरल ग्राउंड्स पे कैसे हारे, मोरल ग्राउंड्स पे ऐसे हारे दोस्तों क्योंकि ना कहीं वो श्रीलंकन तमिलियन कम्युनिटी जो लिट्टे को सपोर्ट कर रही थी, उनके नजर में भी लिट्टे धीरे धीरे एक टेररिस्ट ग्रुप जैसे दिखने लग गई थी। और इसलिए क्योंकि इन्होंने एक समय तक, चलो ठीक है, सिनेला को परेशान करना शुरू किया था, लेकिन फिर उन्होंने देखा जो तमिलियन से लोकल, जो तमिलियन से श्रीलंका, उन्होंने ये पाया कि यार ये लिट्टे ना आज की तारीख में
जो वो सिनेलीज जो श्रीलंका की आम सिनेलीज है उनको भी परेशान कर रहे हैं, और इसके अलावा ना सिर्फ ये, जो बड़े बड़े टॉप के तमिलियन लीडर्स हैं, सर जी आप उनको भी तो परेशान कर रहे हो, कई लोगों को आपने उनको भी निपटा दिया है। तीसरी चीज दोस्तों, और तीसरी चीज ये है दोस्तों कि ये युद्ध, ऐसा कहा जाता है, ये वैसे भी अनविनेबल था, मतलब इसको लिट्टे का भी जीत ही नहीं सकते थे। इसका कारण ये है, 2.25 करोड़ की आबादी का देश है, 2.25 करोड़ की आबादी के इस देश में 75% सिनेला है, तकरीबन 13-15% आपके तमिलियंस है, और उसमें भी उन तमिलियंस में कुछ तमिलियंस जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं एलिटे को, समझ गया मैं, मतलब एक लोगों में एक लिमिटेड नंबर ऑफ लोग हैं आपके पास, उन लिमिटेड नंबर ऑफ लोगों में से भी कुछ लोग आ रहे हैं जो लिट्टे को ज्वाइन कर रहे हैं। कहने का मेरा मतलब है, अंततः ये युद्ध कुछ ऐसा हो गया था, ये गृह युद्ध कुछ ऐसा हो गया था कि दोस्तों नॉन स्टेट एक्टर मतलब वेलू पिल्ले प्रभाकरन वर्सेस स्टेट पावर, आप स्टेट पावर को चैलेंज करो, स्टेट पावर के अगेंस्ट लड़ रहे हो। चौथा पॉइंट ये दोस्तों कि इंटरनेशनल कम्युनिटी ने लिट्टे को सपोर्ट नहीं किया। ये ऐसे बहुत सारे अलग अलग पॉइंट्स कहे जाते हैं कि लिट्टे खत्म क्यों हुई, तो दोस्तों ये है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी का सपोर्ट लैक किया। दोस्तों इंटरनेशनल कम्युनिटी का सपोर्ट लैक करना और ये चारों के चारों पॉइंट्स, ऐसा कहा जाता है कि ये मुख्य पॉइंट थे जिसके कारण लिट्टे गायब हो गए। दोस्तों एक होता वॉर क्राइम्स, तो दोस्तों इस 27 साल के गृह युद्ध में श्रीलंका में भयानक वॉर क्राइम्स हुए, इसमें कोई डाउट नहीं है। When were allegations of genocide? Genocide मतलब कत्लेआम made against the government. दोस्तों गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी कत्लेआम के आरोप लगे, यस इंडीड बिल्कुल लगे। दोस्तों बाद में ना जब कई फोटोग्राफ्स, दुनिया के काफी सारे जर्नलिस्टों ने कई फोटोग्राफ्स रिलीज की, तो कई फोटोग्राफ्स रिलीज की तो ये कहा कि यार श्रीलंकन आर्मी को कहा कि सर जी आप लोग ना भयानक हीनियस वॉर क्राइम्स किए सर, ये गलत है ना सर, आप लोग भयंकर हीनियस वॉर करें। दोस्तों कई फोटोग्राफ्स आई, कई रिकॉर्डिंग्स रिलीज हुई, कई सारी चीजें, कई फोटोग्राफ्स ऐसी थी जो कहा गया कि सर आप लोगों ने तो इसलिए खिंचवाया कि ऐसा लगा सर आप लोग ना एकदम पॉइंट ब्लैंक शूट किए, चार चार पांच पांच गोलियां एकदम पास से दाग दिए लोगों को साथ, बहुत सारी चीजें किए थे, कुछ बताने लायक कुछ नहीं बताने लायक है। तो सर आपने जो किया ना ये बहुत ही एकदम विभत्स हीनियस वॉर क्राइम्स है सर। और दोस्तों एक पर्टिकुलर जो जर्नलिस्ट फॉर श्रीलंका डेमोक्रेसी है, ये जर्नलिस्ट फॉर डेमोक्रेसी इन श्रीलंका है, इन्होंने काफी सारी चीजों को फोटोग्राफ्स रिलीज किया, उन्होंने कहा कि सर ये जो अपना सिर्फ वेलू पिल्ले प्रभाकरन को नहीं, वेलू पिल्ले प्रभाकरन का एक 12 साल का लड़का भी था दोस्तों, जिसका नाम था बालचंद्रन प्रभाकरन, मैंने छोटा बच्चा उसकी फोटो नहीं लगा इसलिए, तो दोस्तों ये बालचंद्रन प्रभाकरन इसको 5 गोली मारा गया था, तो जहां सब लोग देखेंगे तो ना सब लोग बोले कि सर ये क्या है, ये तो भयानक वॉर क्राइम है यार, मतलब सर अभी क्या कर रहे हैं। दोस्तों ऐसे काफी सारे और जर्नलिस्टों को जाने से टोटली मना कर दिया गया था, बैन कर दिया गया था कि कोई जर्नलिस्ट यहां पे दिखना नहीं चाहिए, याद रखना कोई जर्नलिस्ट दिखा तो सोच लेना ना। तो दोस्तों इस तरह से ना जर्नलिस्टों को बोला गया था बिल्कुल नहीं जाने वाले तुम। दोस्तों बाकायदा यूएन की रिपोर्ट आई, एक लेडी भी थी, क्या नाम था उनका, शोभा नाम था, ईसाई प्रिया नाम था उनका, उनके साथ भी बहुत सारी चीजें थी, उनको भी मार दिया गया था, ये बहुत न्यूज में चला था, ऐसे बहुत सारे लोग थे दोस्तों। दोस्तों अल्टीमेटली फिर ये हुआ कि यूएन की रिपोर्ट आई, और यूएन की रिपोर्ट में ये बोला कि यार आप लोगों ने तो कुछ नहीं तो मिनिमम 40-50 हजार, 2015 की बात कर रहा हूं, ये 2015 को यूएन की रिपोर्ट आई थी, और यूएन की इस रिपोर्ट में ये कहा गया कि सर कुछ नहीं तो 40-50 हजार तमिलियन सिविलियंस को तो आपने, मतलब बेगुनाह सिविलियंस को आपने मार डाला। श्रीलंकन गवर्नमेंट ने बोला ऐसा कुछ भी नहीं, कौन बोला आपको ये सब, बिल्कुल ऐसा कुछ है ही नहीं, हम तो मान ही नहीं रहे, बात आप बोलो, आपको बता कौन रहा है सब फालतू की बात है। बोला सर आपने कुछ नहीं तो 40-50 हजार श्रीलंकन तमिलियंस ऐसे थे जिनको बेमतलब आपने मार दिया। दोस्तों 2015 में यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल की रिपोर्ट आई, और यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने यह कहा कि हम लोग सर इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन ऑथोराइज करते हैं, ये ना एलेज्ड वॉर क्राइम्स जो आप लोग किए हैं वो चल रहा है दोस्तों, चलता रहेगा। और तो दोस्तों ये ना यहां तक आके रुका। लेकिन दोस्तों अच्छा दूसरी बात और भी, चलिए आप मुझसे ये पूछेंगे सर इसमें हम लोग पूरा इसमें सीख क्या सकते हैं, और उसके बाद फिर मैं आपको पास्ट में लेके चलता हूँ, थोड़ा सा आगे पीछे किया मैंने स्टोरीज को जानबूझ के ताकि आपको यहां तक के पहले क्लियर हो जाए, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग यहां पे ना ये सबसे पहली चीज हम समझते हैं वो ये है, सबसे पहली चीज हम समझते हैं वो ये है कि अगर इस तरह से काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन आप कर रहे हैं, जैसे महिंदा राजापक्षे साहब ने बोला कि बिंदास जाओ एकदम और अब नहीं, तो दोस्तों एक ना स्ट्रैटेजिकल चेंज किया श्रीलंका ने, जो स्ट्रैटेजिकल चेंज ना श्रीलंका ने शुरू के 22 साल में नहीं किया था,
और वो ये स्ट्रेटेजिकल चेंज था कि शुरू के 22 साल में श्रीलंका की गवर्नमेंट जो बात करना चाहती थी, लिट्टे के साथ बैठिए बात करते क्या चाहिए आपको, कैसे हम लोग इस गरीब को खत्म करें। तो 1976 से आप लोग बने हुए, अब तक क्या डिमांड है बोलो जी, सॉल्व करते हैं, नेगोशिएट करते हैं, इसी बात हो रही थी। महिंदा राजापक्षे साहब ने बोला बस हो गया बातचीत, अब बातचीत नहीं, अब एब्सोल्यूट एनिहिलेशन होगा, अब ना खत्म कर देंगे हम आपको, अब निपटा देंगे। तो सबसे पहली चीज ना, जब इस तरह से एंटी इंसर्जेंसी ऑपरेशन चलते हैं ना, जब टॉप लीडरशिप सोच लेते हैं ना कि बस खत्म करना है, तो फिर कोई नहीं बचता। दूसरी चीज, लिट्टे के पास जैसे मैंने आपको बताया एक फाइनाइट पावर थी, और फाइनाइट पावर होने के कारण दोस्तों क्या हुआ था, लिट्टे के ऊपर काफी बार जो मोरल ग्राउंड पे लूज करने वाली बात में बोला ना आपको, तो यहां पे ये भी देखने को मिला था कि लिट्टे की लेजिटिमेसी पे दाव लग गया था। दाव इसलिए लग रहा था दोस्तों क्योंकि ये देखा गया था, क्योंकि लिमिटेड लोग थे, लिमिटेड श्रीलंकन तमिलियंस थे, उनमें से भी कुछ लोग सपोर्ट करते थे। तो दोस्तों क्या होता था कि कई बार ना लिट्टे लोगों को पकड़ के फोर्सफुली रिक्रूट करते थे कि चलो तुम्हारी आजादी के लिए लड़ रहे ना, चलो तुम देश तुम्हारे लिए भी तो बना रहे ना हम लोग, जो हम लोग श्रीलंका में डिमांड कर रहे हैं कि एक अलग से तमिलियंस लोगों का देश बनना चाहिए, हम लोग सेपरेटिस्ट बोलते हैं ना हम लोग को, तुम भी तो चलो लड़ने। तो फोर्सफुल रिक्रूटमेंट बहुत हुआ था, ऐसा कहा गया दोस्तों। ये फोर्सफुल रिक्रूटमेंट के कारण लोग भी डर गए थे कि अरे सर अपने को नहीं लड़ना है सर, दोस्तों इस तरह की चीजें। दोस्तों जहां तक ऑपरेशंस की बात आती है ना, तो जैसे मैंने आपको बताया ऑपरेशंस बोल दीजिए, ग्रैंड स्ट्रेटजी जानते हो, श्रीलंका की सरकार ने ग्रैंड स्ट्रेटजी क्या लगाया था, श्रीलंका की सरकार ने एक चीज मेक श्योर किया, और वो क्या है, चाहे वो डिप्लोमेटिक सपोर्ट से लेके इकोनॉमी से लेके दुनिया की जो भी चीजें होंगी दोस्तों, जैसे एग्जाम्पल आपको देता हूं दोस्तों, आपको एकदम बढ़िया से क्लियर होगा। दोस्तों श्रीलंका सरकार ने मेक श्योर किया कि यार एक हम बहुत बेहतरीन बड़ी ग्रैंड स्ट्रेटजी बनाएंगे, गजब की कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी बनाएंगे। एग्जाम्पल देता हूं आपको, श्रीलंका की जीडीपी का एक जमाने में 4% जो जाता था आर्मी में जाता था, बढ़ाओ उसको, बढ़ाते बढ़ाते कितना किया, 10% 20% 40% कर दिया। तो श्रीलंका की जीडीपी का 40% बोला लगाओ आर्मी में, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों इससे, ठीक है मैं मान रहा हूं। देखिए क्या होता है कि आप इससे आपके ऊपर कर्ज ही बढ़ना है, क्यों, क्योंकि दोस्तों ग्रांट कहां से लाओ, पैसा कहां से लाओगे। तो चाइना ने बोला कि मैं ग्रांट दूंगा, चिंता मत करो। तो दोस्तों चाइना ने यहां से पैसा देना शुरू किया, चाइना ने बोला कि चिंता मत करो मैं $1 बिलियन मैं देता हूं। दोस्तों आज तक उसका पैसा चुका रहा श्रीलंका, हमें टूटा पोर्ट ऐसे थोड़ी गया श्रीलंका के हाथ से, राइट। दोस्तों ऐसे आसान शर्तों में, और दुनिया के बहुत सारे देश ऑयल हो गया, पैसा हो गया, जो भी दे सकते थे, जैसे चाहे वो ईरान हो गया, लीबिया हो गया, रशिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, बहुत सारे। दूसरी चीज डिप्लोमेटिकली, तो डिप्लोमेटिकली श्रीलंका ने एक चीज समझ लिया, लिट्टे को हराना तो मैं अकेले नहीं हरा सकता, मैं लिट्टे को पूरा कॉर्नर कर दूंगा, आइसोलेट कर दूंगा पूरी दुनिया में। तो डिप्लोमेटिकली लिट्टे को उन लोगों ने आइसोलेट करना शुरू किया। फाइनेंशियल असिस्टेंस जो मैंने बोला वो ईरान से जो पैसा आया, लीबिया से आया, रशिया से आया, पाकिस्तान से आया, उस सबके बारे में बात किया। लिट्टे को मैं पूरी दुनिया में आइसोलेट कर दूंगा, लिट्टे के कोई समर्थक नहीं रहे, क्यों, क्योंकि 60% लिट्टे का पैसा वो बाहर से आता है, और जो 60% लिट्टे का दुनिया में कोई मूवमेंट, उसके लिए पैसा चाहिए ना, कैसे बिना पैसे के कैसे कोई चीज करोगे। तो जो लिट्टे को 60% पैसा बाहर से आता, मैं पूरे पैसे को ब्लॉक कर दूंगा। तो दोस्तों लिट्टे को ब्लॉक करना शुरू किया, तो ये डिप्लोमेटिकली ये कर, जो आज की तारीख में लिट्टे को पब्लिक सपोर्ट है ना, मैं पब्लिक सपोर्ट खत्म कर दूंगा। श्रीलंका गवर्नमेंट ने बोला पूरा पब्लिक सपोर्ट अपन खत्म कर देंगे। कैसे दोस्तों, कैसे पब्लिक सपोर्ट आप खत्म करेंगे, तो पब्लिक सपोर्ट ऐसे खत्म कर सकते हैं कि आप पैरेलल में कोई स्कीम चला दीजिए, गरीबी उन्मूलन के लिए कोई स्कीम चला दीजिए। तो दोस्तों 2006 के आसपास की बात है, श्रीलंका में जो नई सरकार आई थी, उन्होंने बोला एक काम करते हैं हमको ना, हम तो सोच लें कि लिट्टे को अपन को हटाना है, तो अपन एक काम करते हैं, हम लोग ना पॉवर्टी को हटाने के लिए स्कीम चलाए थे। तो जो देश के गरीब किसान है, गरीब लोगों के लिए सब्सिडाइज्ड रेट में ना खाद वगैरह, भोजन सामग्री वगैरह सब कुछ प्रोवाइड करना शुरू करो दोस्तों। तो इसलिए ना धीरे धीरे बहुत डिफिकल्ट हो गया था लिट्टे के लिए ये फॉरेन सॉइल से ना फाइनेंशियल सपोर्ट प्राप्त करना, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल जैसा हो गया था दोस्तों। इस तरह से ना धीरे 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 लिट्टे को वीक करना शुरू किया था श्रीलंकन गवर्नमेंट ने, हर तरह से डिप्लोमेटिकली, इकोनॉमिकली, जियोपॉलिटिकली, आइसोलेशनिस्टिक फिलोसफी, सारी की सारी फिलोसफी लगा डाला था। और यही ना श्रीलंका का जो टेक्टिकल एडवांटेज जो लिया ना, वो यही था दोस्तों। मैंने आपको बताया कि ना लिट्टे के पास एक लिमिटेड नंबर ऑफ लोग थे, और धीरे धीरे वो तमिलियन, श्रीलंकन तमिलियन जो लिट्टे को सपोर्ट करते थे, वो भी कम होना शुरू हो गए दोस्तों। दोस्तों इस तरह से ना सिर्फ ऐसे नहीं कि आर्मी को फ्री हैंड दिया, आर्मी को फ्री हैंड देने के अलावा भी ना बहुत सारी चीजें किया श्रीलंकन गवर्नमेंट ने, और इसके कारण जो लिट्टे हैं दोस्तों इतनी वल्नरेबल हो गई थी। तो इतनी वल्नरेबल आज नहीं तो कल निपट गई, ये वल्नरेबिलिटी आई इस तरह से दोस्तों। दोस्तों एक और चीज किया था, और वो ये था SIOT, दोस्तों एक स्पेशल ट्रेंड ग्रुप बनाया था।
दोस्तों यहां पे लिखा है स्पेशल इन्फेंट्री ऑपरेशंस टीम, तो एक ने स्पेशल ट्रेंड ग्रुप बनाया था। ये ट्रेंड ग्रुप क्या करते थे, पूरे श्रीलंकन आर्मी एक स्पेशल ट्रेंड ग्रुप एग्जीक्यूट एक्सक्लूसिव ग्रुप जाता था, गांव अगर में एंटर करता था और सीधा ये मारने जाता था, ऐसे। तो दोस्तों एक स्पेशल ग्रुप बनाया था, आप देख रहे दोस्तों, मतलब ना आपने बेसिकली क्या किया वो ना आपको पूरा आपने जो लिट्टे का पूरा सप्लाई को कट कर। अच्छा एक और चीज, 2005 में आपको याद होगा दोस्तों सुनामी भी आई थी, तो ना जो यूनाइटेड नेशन को सपोर्ट पहुंचता है ना फूड एंड भोजन जो पहुंचता है वो कुछ जरूरत नहीं पहुंचने का। तो दोस्तों एक साथ ना सब तरफ से घिरना शुरू हुए थे लिट्टे तो, और एक साथ जब सब तरफ से घिरना शुरू हुई दोस्तों फिर यहां से खदेड़ना शुरू किया श्रीलंकन आर्मी ने, और इस तरह से पूर्णतया डिस्ट्रॉय कर दिया था, खत्म कर दिया था, नस्तो नाबूद कर दिया था, किसको, लिट्टे को। ठीक है दोस्तों, इस तरह से पूरी तरह से। लेकिन ये स्टार्ट कैसे हुआ था, अब आओ कहानी की शुरुआत में, क्योंकि खत्म कैसे हुआ सब कुछ ये तो समझ गए, अब शुरू कैसे हुआ। दोस्तों श्रीलंका की पैदाइश है 1940, श्रीलंका की पैदाइश मतलब श्रीलंका जो आजाद हुआ है। तो दोस्तों आपको पहले बताता हूं, श्रीलंका जब आजाद हुआ ना तो 1948 हमारे साथ ही आजाद हुआ है। अब ये जाफना वाला रीजन देखिए जो लाल कलर का रीजन है, देखिए दोस्तों श्रीलंका के उत्तरी हिस्से में, उत्तर पूर्व वाले हिस्से में ये सब वाले रीजन, अगर अपना श्रीलंका में तमिलियन देखेंगे तो कुछ ऐसे समझ, अरे कुछ ऐसे समझ लीजिए ये रीजन है, और मेनली ये पूरे के पूरे यहाँ पे तमिलियन, श्रीलंकन तमिलियन से, ये कुछ इस तरह से दोस्तों यहाँ पे श्रीलंकन तमिलियन से। ठीक है दोस्तों, दोस्तों ये कंफ्यूज मत कीजिएगा, ये श्रीलंकन तमिलियन वो है जो कई हजारों कई 2000 साल से भी ज्यादा से वहां पे रह रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि भारत के तमिलियन से माइग्रेट नहीं किए हैं, लेकिन जो आप बोल रहे हैं वो सिर्फ भारतीय तमिलियन नहीं है, ये श्रीलंकन तमिलियन वो जो कई हजारों हजार साल से वहां पे रह रहे हैं। तो दोस्तों मेनली ना दो एथनिक कम्युनिटी श्रीलंका में, सिन्हला एंड तमिलियंस। ठीक है दोस्तों, दो एथनिक कम्युनिटी श्रीलंका एंड तमिलियंस। अब हुआ ये दोस्तों कि सिन्हला पॉपुलेशन जो है ना, श्रीलंका की आबादी है तकरीबन 2.2 करोड़ की, तो 75% आबादी जो है वो सिन्हला की है। ठीक है दोस्तों, ये जो मैं माइग्रेशन आपको बताया ना दोस्तों, भारत से जो लोग माइग्रेट किए थे, भारत से तमिलियन जो माइग्रेट, ये तब हजारों साल पहले की बात दोस्तों, शुरुआत हो चुकी है। हमारा श्रीलंका का बहुत एंशियंट रिलेशन है। ठीक है दोस्तों, जब श्रीलंका का नाम जो है ना दोस्तों, तो साइलोन हुआ करता था, आप शायद ये नाम सुनेंगे, CEYLON बोलते थे तो। ठीक है, तब की बात कर रहा हूं आपसे। ठीक है दोस्तों, अब सीन क्या था कि 1948 में श्रीलंका आजाद हुआ, उसके पहले की बात कर रहा हूं। तो हुआ क्या था, जब श्रीलंका गुलाम भी था, जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे राज करते थे, तो क्योंकि तमिलियंस हमेशा से वेल रेड, हमेशा से वेल क्वालिफाइड लोग रहे हैं, और जब हमेशा से वेल क्वालिफाइड रहे हैं तो भले ब्रिटिशर्स वहां पे राज करते थे, ब्रिटिशर्स के राज करते वक्त भी तमिलियंस बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट में रहते थे, काफी बड़ी बड़ी पोस्ट में रहते थे। और दोस्तों 1948 में जब ब्रिटिशर्स यहां से जाते श्रीलंका से, तो सिन्हला जो होते हैं, जो सिन्हला कम्युनिटी होती है, वो ये चीज समझ जाते कि नहीं 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 ऐसा तो मुश्किल है, ऐसे में तो ये लोग माइनॉरिटी हो के हमारे ऊपर राज करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, 15% की आबादी जो है ये कैसे रूल कर सकती है 75% की आबादी को, नहीं बिल्कुल भी नहीं। तो हमको ना कुछ चेंजेस करने चाहिए, और ये जब हम लोग आजाद हो ही गए हैं तो एक काम करते हैं, हम अपने हिसाब से चेंजेस करते हैं, कुछ ऐसे चेंजेस करते हैं कि तमिलियंस कभी ऊपर ही ना पाए, जो श्रीलंकन तमिलियंस कभी ऊपर ही ना पाए। सबसे पहले इन्होंने ये कहा कि दो भाषाएं जैसे कि इंग्लिश और तमिल है, इसको हटाओ, आज के बाद हम लोग सिर्फ एक ही भाषा को रिकॉग्नाइज करेंगे और वो सिन्हला, सिन्हला भाषा को अपन लोग रिकॉग्नाइज करेंगे, बाकी सारी भाषाएं हटाओ। दोस्तों तो ये ना धीरे धीरे ऐसा होने लगा कि सिन्हला भाषा को हटाओ। दोस्तों जो बड़े बड़े सरकारी नौकरियां थी ना, वहां पे जितने जो तमिलियन, जो श्रीलंकन तमिलियन, उनको नौकरी से निकाल दिया गया, अचानक नौकरी से निकाल दिया गया। दोस्तों जो स्कूल्स और कॉलेजेस में कट ऑफ होते थे वो तमिलियंस के लिए अलग होते थे और सिन्हला के लिए काफी कम होते थे। आप देख सकते हैं दोस्तों किस तरह से फ्रस्ट्रेशन डेवलप हो रही है सोसाइटी में, यहाँ पे इस तरह की चीजों से सोशल फ्रैक्चर डेवलप होता है। दोस्तों ये कहा गया कि जितने भी जो तमिलियन लिटरेचर जला दो, आग लगा दो, कोई भी तमिलियन मूवीज नहीं आएंगे मार्केट में, कोई तमिलियन लिटरेचर नहीं आएगा मार्केट में। दोस्तों जितने भी नौकरियां हैं वहां पे सिन्हला भाषा मस्ट कर दी गई। तो दोस्तों इस तरह से ना धीरे धीरे ये सप्रेशन वाली चीज ना कंटिन्यू होती गई। एक काम करो, एक मूवमेंट चला दो, 1956 में मूवमेंट चला सिन्हला ओनली मूवमेंट। तो इस तरह से ना दोस्तों बहुत कुछ हुआ जिसके चलते ना जो वहां पे तमिलियन कम्युनिटी थी ना वो अपनी बात कहना चाहती थी कि यार ये क्या कर रहे हो तुम लोग, ये कैसे कर रहे हो यार, ये क्या मचा के रखे हो तुम लोग। दोस्तों इस तरह से ना, तो ये जो ऐसा नहीं है कि वेलुपिल्ले प्रभाकरण लिट्टे तमिलियंस की आवाज को उठाने वाली पहली मतलब पहला ग्रुप बना, इसके पहले भी बहुत सारे ग्रुप बने लेकिन कभी भी कोई ग्रुप इतना डिसिप्लिन नहीं हो पाया जिस तरह से ये लोग थे। एब्सोल्यूट मिलिट्री की तरह लोग काम करते थे। और दोस्तों इसलिए जब 1976 में वेलू पिल्ले प्रभाकरण, ये 5 मई 1976 को जब लिट्टे बनी तो इनको भयानक सपोर्ट मिला, भयंकर एकदम अति में सपोर्ट मिला दोस्तों इनको, इनको गजब तरीके सपोर्ट मिला। और दोस्तों इसके कारण लिट्टे इतने आगे तक आए दोस्तों, वो उनका इन लोग का डिसिप्लिन से लेके बाकी सारी की सारी चीजें।
दोस्तों ये जो इतना एब्सोल्यूट रूथलेस होना अपने डिमांड्स में, एब्सोल्यूट अपने मिलिट्री डेवलप करना, अपनी आर्मी डेवलप, अपने नेवी डेवलप करना, अपने एयरफोर्स को डेवलप करना, ये सभी लोग नहीं कर पाए थे। तो वो जो गुस्सा था ना दोस्तों, वो गुस्सा फट पड़ा और उस गुस्से का नाम निकल के आया लिट्टे। ऐसे बहुत सारे ग्रुप थे लेकिन क्योंकि लिट्टे सबसे अधिक डिसिप्लिन था तो लिट्टे सबसे अधिक मार्केट में नाम आया। दोस्तों ये सारी चीजें तो मैं समझ गया। वो लिट्टे जिससे एक समय पे लोग ना मतलब एक समय पे घबराते थे, तो लोग घबराते क्यों थे लिट्टे से इतना? पूरी दुनिया में जैसे मैंने आपको बताया 1956 में सेनेला ओनली का बकायदा एक मूवमेंट चला था, तो इसी तरह से ना यहाँ पे लिट्टे से लोग इतना घबराते क्यों थे यार, ये मैं समझाया। लिट्टे से इसलिए घबराते थे लोग दोस्तों क्योंकि लिट्टे ने ऐसे ऐसे कांडों को अंजाम दिया था ना जो आसपास छोटे मोटे लोग सोच ही नहीं पाते थे दोस्तों। ऐसे इसके पहले तक क्या हो रहा था कि जो सिन्हला था कम्युनिटी था वो जो तमिलियंस को सप्रेस करते चले जा रहे थे, कल्चर को आने नहीं दिया, पिक्चरों को बनने नहीं दिया, लिटरेचर को आग लगा दिया, नए लिटरेचर्स बन नहीं रहे थे, नौकरियों से निकाल दिए गए तमिलियंस को, स्कूल्स और कॉलेजेस में कट ऑफ बहुत हाई कर दिए गए थे, जितने टॉप की ब्यूरोक्रेटिक पोजीशन थी वहां पे ज्यादातर सिन्हलास थे, तो तमिलियंस की बातें बाहर ही नहीं आ पा रही, तमिलियंस अपनी बातों को रखना चाहते थे। तो जब लिट्टे आए ना दोस्तों, तो लिट्टे ने बोला कि रुको बेटा हम लोग बताते हैं, सीधा ना हाई प्रोफाइल असैसिनेशन करो, हाई प्रोफाइल असैसिनेशन बड़े बड़े को उड़ाओ। तो दोस्तों इन्होंने ना छोटा मोटा नहीं, एकदम मतलब बड़े बड़े लोगों को उड़ाना शुरू किया। दोस्तों 1993 में श्रीलंका के भूतपूर्व राष्ट्रपति राणा सिंह के प्रेमदास साहब को इन्होंने उड़ा दिया। ऐसे बहुत सारे एमपीज, पीएम, राष्ट्रपति दोस्तों किन के ऊपर इन्होंने गोली नहीं ट्राई किया दोस्तों, आपको याद होगा। तो भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री याद है दोस्तों, ये एक असैसिनेशन मतलब दुनिया स्तब्ध रह गई थी यार, ऐसा कैसे पॉसिबल है यार, भयानक था दोस्तों ये असैसिनेशन। अगर आपने इसकी वीडियो फुटेज अगर देखा होगा तो जो लेडी अपने ऊपर बॉम्ब लपेट के आई थी, वैसे वो गार्लैंड जो है जो क्या बोलते फूलों की माला लटकाती है राजीव गांधी साहब पे और ब्लास्ट होता, क्या भयानक सीन था यार ये। इस तरह का ना दोस्तों ह्यूमन बॉम्बिंग वाली चीज ना, लोग लोन वुल्फ तो आज बात करते हो, लोन वुल्फ जैसी चीज पहले 91 में कौन सुना था लोन वुल्फ यार दोस्तों। फिर दुनिया में बात ये इस तरह की चीजें बाहर आई कि यार कि ना कई कई सारे लिबरेशन फ्रंट, एक था दोस्तों मोरो इस्लामिक लिबरेशन फ्रंट जो ना दोस्तों फिलीपींस में काम करता था। तो दोस्तों अच्छा मैं ये आपको बताता, हाईली डेवलप्ड मिलिट्री विंग्स, तो जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों इनकी आर्मी मिलिट्री ये सब ना बहुत अच्छी खासी डेवलप थी, काफी डिसिप्लिन थे जिसके कारण लोग इतनी तेजी से ग्रो कर रहे थे। दोस्तों कई ना ऐसे भी यूनिट्स, ये देखिए तो ये आपको दार था, इनकी नेवी, आर्मी, एयरफोर्स सभी गजब का ग्रो कर रहे थे दोस्तों। इन्होंने ये वो लोग थे जिन्होंने अपने टीम में ना महिलाओं को, बच्चों को, हर एक को रिक्रूट कर रखा था, ह्यूमन बॉम्ब बनाना सिखा दिया था कि कैसे कुछ नहीं होता, निपट भी जाओगे तो भी कुछ नहीं होता। तो दोस्तों इस तरह की चीजें ना पहले नहीं देखी गई थी दोस्तों। इसी तरह से ना इनका नाम जो और खराब होना शुरू हुआ, एक फिलीपींस में वर्क करने वाला एक सेपरेटिस्ट ग्रुप है, एक टेररिस्ट ग्रुप माना जाता है, इसका नाम है मोरो इस्लामिक लिबरेशन फ्रंट। दोस्तों कई आर्टिकल्स में ये कहा गया कि यार ये मोरो इस्लामिक लिबरेशन फ्रंट का सीधा सीधा सपोर्ट है लिट्टे को, कई और आर्टिकल्स में ये कहा गया कि तालिबान का भी सपोर्ट है लिट्टे को। तो दोस्तों इस तरह से ना ये जो चीज है ना आप देखेंगे तो ग्रेजुअली ये होने लगा था कि यार ये लिट्टे पूरी तरह से कहीं सेपरेटिस्ट ग्रुप से टेररिस्ट ग्रुप ही तो है यार ये। दोस्तों एक टाइम ऐसा है कि लिट्टे अपने पैसे रेवेन्यू के लिए क्या करते थे, जो भी इनका एरिया है वहां पे क्या करते थे, लोगों को पकड़ लिए, उठा लिए, अगवा कर लिए, और अगवा करने के बाद ये टैक्सेशन एक्सटॉर्शन फिरौती इसको आप बोलते हैं। तो दोस्तों लिट्टे का जो एनुअल रेवेन्यू था ऐसा मतलब अच्छा खासा एनुअल रेवेन्यू था दोस्तों, मतलब अगर आप देखें तो कई मिलियंस ऑफ डॉलर का एनुअल रेवेन्यू था। तो कहाँ से जनरेट होता था, फिरौती की रकम से, मेनली फिरौती की रकम से जनरेट होता दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों एक समय था जब लिट्टे का डिमांड था कि भाई साहब हमको तो एक अलग स्टेट चाहिए, और इसलिए सेपरेटिस्ट ग्रुप कहलाया और उसका नाम रहेगा सिर्फ उसमें तमिलियंस रहेंगे, तमिल ईलम, और यही से नाम पड़ा था दोस्तों इनका लिट्टे, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम। देखिए दोस्तों बाद में ऐसा हुआ था दोस्तों क्योंकि जब श्रीलंकन सरकार जो है पहले ये बात कर सेसेशन मतलब अलग होना, तो हमको एक सेपरेट ग्रुप चाहिए, सेपरेट देश चाहिए, सेपरेट स्टेट चाहिए, जो भी रहेगा दोस्तों। बाद में श्रीलंकन आर्मी ने एकदम डिसाइड कर लिया कि भाई साहब अब तो ना खेल खत्म ही कर देंगे दोस्तों। तो ये वो टाइम था जब श्रीलंकन आर्मी ने डिसाइड कर लिया कि भाई साहब अब तो निपटा देंगे, तो फिर इन लोगों ने बोला कि चलो सेसेशन नहीं, तो फिर एक अलग स्टेट का दर्जा दे दो,
अलग स्टेट नहीं तो कुछ तो भी डिस्कशन कर लो यार। और इस तरह से फिर बाद में श्रीलंकन आर्मी ने, क्योंकि श्रीलंका की सरकार का फ्री हैंड था, तो फिर दौड़ा दौड़ा के मारना शुरू किया दोस्तों। और यहां पे तकरीबन 27 साल के बाद ये श्रीलंका का गृह युद्ध होता है समाप्त दोस्तों। तो ये था दोस्तों श्रीलंका का गृह युद्ध। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को एकदम सुपर तरीके से समझ में आया। बहुत अनफॉर्चुनेट था जो भी हुआ, 27 साल में लाखों हजारों लाखों बेगुनाहों की मौत हो गई। क्या मतलब, क्या लोग, क्या पुरुष, क्या महिलाएं, क्या बच्चे, बहुत सारे लोग दोस्तों। तो यही था दोस्तों आज का हमारा टॉपिक, श्रीलंका का गृह युद्ध। सभी को क्लियर हो गया टॉपिक एकदम मस्त तरीके से। एक्सट्रॉशन का मतलब होता है राजवीर फिरौती। फिरौती मतलब किसी को अगवा कर ले, उसके बदले में जो पैसा मांगते हैं, दैट इज एक्सट्रॉशन, राइट। दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक, मस्त तरीके से क्लियर हो गया होगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, कल आपसे मैं मिलूंगा मॉर्निंग में 8 AM पे। 8 AM पे क्यों सर? कोई ऐसा कंट्री है कि जिसने, जिसके डिफेंस मिनिस्टर ने खुद आके बोला यार ये चाइनीज फोन, यार ये उठा के फेंक दो इसको, कोई चाइनीज फोन का इस्तेमाल नहीं करेगा, ऐसा कुछ किसी ने कंट्री ने बोला क्या? कल बोला क्या किसी ने? मैं भी था नहीं पूरे दिन, नहीं तो मैं आज भी डिस्कस किया होता। तो इस टॉपिक को हम डिस्कशन करेंगे कल सुबह 8 बजे, पूरे डिटेल में आपको इस टॉपिक को बताता हूं। दूसरी बात दोस्तों, कल ये यूट्यूब में रहेगा, और इसके अलावा कल सुबह 11 बजे अपना सेशन रहेगा, FT एक्सप्रेस में लाइव रहूंगा और प्लैनेट गेट में, दो चैनल्स में लाइव रहूंगा। दोस्तों किसी कारणवश, हाँ मैंने पोल करवा दिया वैसे टेलीग्राम में, आप उस पोल में है ना मंटू, पोल में बिल्कुल वो कर दीजिए, मार्क कर दीजिए। और कल 11 बजे दो चैनल्स पे लाइव रहूंगा, FT एक्सप्रेस पे और प्लैनेट गेट में, दोनों के दोनों बच्चे एकदम गजब टाइप से तैयार रहिएगा कल यहाँ पे। अभी दो दिन से मैं किसी कारण से, कुछ पर्सनल रीजन, जो एक मेडिकल इमरजेंसी के कारण मैं ले नहीं पा रहा था क्लास, लेकिन कल 11 बजे हम मिलेंगे। सैटरडे को यूजुअली नहीं मिलते, लेकिन अभी दो दिन नहीं था तो मैं आप लोग कल मिलेंगे मस्त 11 बजे, मन जाएगा एकदम जबरदस्त तरीके से। क्या बोलते हैं, अग्री करते हैं क्या? यस, लिथुएनिया ने बोला बिल्कुल सही है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, कल शाम के 6 बजे एक स्पेशल सेशन रखा है गेट के वर्बल के लिए, कैसे स्ट्रैटेजी बनाते हैं। मतलब अक्सर ये होता है कि मैंने देखा है कि वर्बल ना लोग गड़बड़ा देते हैं, तो अपन कुछ ऐसा डिस्कशन करेंगे कि आपको मजा आ जाएगा, एकदम गजब टाइप का मजा आएगा। 1 घंटे का सेशन रहेगा, अनअकैडमी की ऐप पे रहेगा, सभी लोगों के लिए फ्री, अटेंड कर सकते हैं। दोस्तों थोड़ी देर पहले मैंने इंटरपोल पे भी डिस्कशन किया था, अगर ये वीडियो आपने नहीं देखा तो जरूर से देखिएगा। मैं आपको 50 टॉपिक्स का प्रॉमिस किया, और मैं आपको ये बोला हूं इस 50 टॉपिक को अगर आप थ्रू एंड थ्रू सुनते हैं, आपको गजब टाइप का, एक भयंकर गजब टाइप का, एक मिनी एक्सप्लोजन ऑफ नॉलेज होगा, मेरा प्रॉमिस है दोस्तों। मैं आपके साथ ना 50 टॉपिक पहले डिस्कशन कर रहा हूं, वो 50 टॉपिक करंट अफेयर से, कांस्टेंट अफेयर से, कहीं से भी हो सकते हैं। मैं आपको पहले 50 टॉपिक का प्रॉमिस करता हूं, 50 टॉपिक के आप मुझे बताना कि आपको मस्त मजा आया कि नहीं, आपको गजब टाइप की फील, चाहे आप रिटर्न दे रहे हो, GD दे रहे हो, PI दे रहे हो, इंटर कुछ भी दे रहे हो, आपको इन 50 टॉपिक से गजब टाइप का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कैट इंग्लिश में सबसे आपको बहुत फायदा होगा, सभी में होगा, ठीक है दोस्तों। एक बार मस्त तरीके से देखते रहिएगा दोस्तों। अनअकैडमी के ऐप पे जो मेरा बैच चल रहा है उसकी क्लास 9 बजे रहती है मस्त तरीके से। दोस्तों अनअकैडमी जो सबसे खास है, आप चाहें तो प्लस या आइकॉनिक कोई भी सब्सक्रिप्शन देख सकते हैं। इसमें होता ही है दोस्तों, आप लाइव क्लास, आप चैलेंज सर से पढ़ सकते हैं, RBR सर से भी, मुझसे भी पढ़ सकते हैं, किसी भी पढ़ सकते हैं, अंकित सर का, सभी लोगों की मस्त टाइप से आप सबसे पढ़ सकते हैं। एक सिंगल सब्सक्रिप्शन है, ये बेस्ट पार्ट है दोस्तों। वो रिकॉर्डेड फॉर्म में वीडियो प्रेजेंट होता है, हर चौथी क्लास होती है डाउट क्लियरिंग होती है, हर हफ्ते वीकली टेस्ट होता है, रिविजन के लिए क्रैश कोर्स, रैंक इंप्रूवमेंट बैच होता है दोस्तों, सब कुछ बाइलिंगुअल होता है दोस्तों। जो एक लेजेंडरी सब्सक्रिप्शन है, इसको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन बोलते हैं, पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर, स्टडी बूस्टर, मेंटोरशिप, सारी की सारी चीजें आपको मिलती हैं दोस्तों। हर संडे को मैं उम्मीद करता हूं स्कॉलरशिप टेस्ट आप देते होंगे, ये रहा कोड, ये रहा मैं ST26, ये आप यूज करते होंगे। ऐसे दोस्तों बहुत सारे बैचेस शुरू हो रहे हैं, जिसको भी ज्वाइन करने का मन करे कोड यूज कर सकते हैं ST26, आपको गजब टाइप का डिस्काउंट हो जाएगा दोस्तों। गेट ESC दोनों के बैचेस शुरू हो रहे हैं, एक बार सभी लोग देखिएगा, एक से एक खूंखार लोग हैं जो अपने अपने फील्ड के सुपर्ब लोग हैं दोस्तों। दोस्तों इसके बाद आप ये कोड यूज कर सकते हैं, अगर आप एक 12 महीने 18 महीने 2 साल जो भी सब्सक्रिप्शन आपको लेने का मन होगा दोस्तों। दोस्तों अनअकैडमी में एक डाउट पूछने का एक बेहतरीन फीचर ऐड हुआ है, आप मस्त जो भी किताब बना रहे हैं फोटो खींचे और हमको भेज सकते हैं। अगर आपको जो भी डाउट है, या तो उसका वीडियो सोल्यूशन पहले से प्रेजेंट होगा तो हम बना के आपको प्रोवाइड कर देंगे। इस पूरे सेशन में जो भी मैंने बोला आपको इनअप्रोप्रिएट लगे उसके लिए अपॉलॉजीज, और आप बता सकते हैं, और यू मे क्लेम द प्राइस एज वेल। हिंदुस्तान में 14,000 ज्यादा बच्चे दोस्तों यहाँ पे फॉलो करते हैं मुझे अनअकैडमी के ऐप पे, आप जरूर फॉलो करके रखिएगा, मेरा प्रॉमिस है आपके लिए हर वो चीज जो रेलेवेंट अपन डिस्कशन करेंगे। जो भी मैंने पढ़ाया दोस्तों अभी तुरंत विद इन 15 मिनट्स आपको इसका नोट मिल जाए, जो भी मैंने आपको स्क्रीन पे दिखा सारे के सारे चीज को आप अवेल कर सकते हैं, FT एक्सप्रेस में जाकर डाउनलोड कर लिया, अब भी 15 मिनट के अंदर अंदर दोस्तों। आप सभी लोगों के समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको टॉपिक एकदम मस्त तरीके से क्लियर हो गया होगा, एकदम सुपर से भी ऊपर वाले तरीके से, ठीक है दोस्तों। आपका ओपिनियन क्या रहा दोस्तों जरूर बताइएगा कॉमेंट बॉक्स में। अतेंद्र पाल सिंह, हेलो सर, लव फ्रॉम भिलाई, लॉट्स ऑफ लव दोस्त, बहुत सारा प्यार आपको। मंटू सर, कलाम सर की बायोग्राफी, मैंने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, पहला ऑप्शन दिया कलाम साहब, दूसरा ऑप्शन दिया मैंने सुंदर पिचाई जी, तीसरा ऑप्शन दिया रतन टाटा साहब, और चौथा ऑप्शन आप लोग खुद सजेस्ट कर सकते हैं। इन 4 में से जिसमें भी सबसे अधिक वोट होगा मैं उस टॉपिक को नेक्स्ट वीक डिस्कस करने वाला हूं।
ठीक है दोस्तों। तो ये दोस्तों हमारा आज का सेशन, इसके बाद की चीज देखेंगे हम लोग कल सुबह यूट्यूब में मिलूंगा, अभी तो मेरी प्लस की क्लास रहेगी अब। ठीक है दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।